बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, ये आज मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ है कि इस शाम नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ जमा हैं। और ये वो दौर होता है जो हम बड़ों ने भी गुजारा है, लेकिन इस दौर की कदर व कीमत का अंदाज़ा बाज़ औक़ात बाद में होता है। इतनी ख़ूबसूरत मजलिस और शाम में मेरा दिल चाहता है कि मैं मुनीर नियाज़ी के ये शेर आपको सुना दूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनका बहुत मस्बत और सेहतमंद मफहूम लेंगे। मुनीर नियाज़ी ने यह कहा कि मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जवानी का दौर उमंगों का, अज़ाइम का, आरज़ुओं का और कुछ कर गुज़रने का दौर होता है। अल्लाह करे कि आप सब पुरअज़्म हों और कुछ कर गुज़रने का जज्बा आपके अंदर बेदार हो, लेकिन इंसानी वजूद में उसके दीगर आज़ाद से ज़्यादा वो स्टेट ऑफ माइंड जिसको एतमाद कहते हैं, जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके इदारे ने, आपके बड़ों ने, आपके मुआशरे ने, आपके निज़ाम तालीम ने और आपके असातिज़ा ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका मुस्तकबिल अपनी ताबनाकियों के साथ आपका मुंतज़िर है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के नौजवान बच्चों और बच्चियों को ज़्यादातर डांटा जाता है, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, उन्हें वो अज़ायम नहीं दिए जाते जो इंसान के आज़ा और वजूद में बिजलियाँ भर दें। कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग हमेशा से इंसानी माशरों में तालीम का बहुत बड़ा ज़रिया रहा है। इस सिलसिले में हमारे बुज़ुर्गों में मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मारूफ नाम है। उन्होंने अपनी हकायात में एक बड़ी दिलचस्प हकायत लिखी है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो पसंद आएगी। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक जंगल किनारे एक बुढ़िया रहती थी और वो भेड़ें चराती थी। एक दिन भेड़ें चराते चराते वो जंगल के अंदर चली गई, भेड़ें चर रही थीं, अचानक इस बूढ़ी खातून की निगाह शेर के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जिसकी आंखें अभी नहीं खुली थीं। इस बुढ़िया ने एहतियात से दाएं पाएं देखा, ना शेर न मिसेज शेर, दोनों थे ही नहीं। उसने बड़ी मोहब्बत से उस बच्चे को उठाया और उठा के अपने झोंपड़े में ले आई और उसे अपनी भेड़ों के साथ पालना शुरू कर दिया। और उस बच्चे को किसी ने नहीं बताया कि तू शेर का बच्चा है। जूं जूं वो बड़ा हुआ तो उसने समझ लिया कि मैं भी भेड़ हूँ, भेड़ों वाली ज़बान सीख ली, भेड़ों वाले फंक्शन, भेड़ों वाले डेज मनाने लगा, भेड़ों वाले खौफ, भेड़ों जैसे एहसास, भेड़ों की कंपनी, भेड़ों का कॉन्फिडेंस। उसी ज़माने में जिसे आप कह सकते हैं जदीद ज़बान में अर्ली चाइल्डहुड, उसे ये पता चला कि सबसे ख़तरनाक चीज़ भेड़ों के लिए शेर होता है और अगर वो हमला कर दे तो उससे भागना चाहिए वरना वो खा जाता है। ये खौफ उसके दिल में भी बैठ गया, ये उसकी तरबियत का गैप था। लिहाजा एक दिन, जैसा कहानियों में होता, कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है, हालांकि ये कई दफ़ा का जिक्र तो मैं भी कर चुका हूँ, ताहम शेर ने हमला कर दिया। शेर के खौफ से जब भेड़ें भागी तो ये भी भागा। हमलावर शेर ने देखा कि भेड़ें तो भाग रही हैं, इनमें एक शेर क्यों भाग रहा है। वो हैरान होता है और उसने हैरत के साथ उसे आवाज़ दी कि तू क्यों भाग रहा है। इस बेचारे ने समझा कि मुझे सिलेक्ट कर लिया है और मुझे ही खा जाएगा, ये और तेज़ी से भागा। वो हैरत में डूबा हुआ हमलावर शेर बड़ी तेज़ी के साथ भाग के इसका ताकुब करने लगा। अब मुकाबला एक तरह से 1-to-1 हो गया, आगे आगे छोटा शेर, पीछे बड़ा शेर, दौड़ लगी हुई है। क्यों जी, मज़ा आ रहा है ना? अगर आप कहें तो मैं यहाँ रोक दूँ, नहीं, जारी रखते हैं, इसको आगे कन्वर्ट नहीं करते।
तो जनाब ये 1-to-1 मुकाबले में बड़े शेर ने जा छोटे शेर को दबोचा गर्दन से, जब उसे पकड़ा तो उसने भेड़ों वाली आवाज़ निकाली। जब भेड़ों वाली आवाज़ निकाली तो बड़े शेर ने पूछा कि तू ये भेड़ों वाली आवाज़ क्यों निकाल रहा है? तो छोटा शेर कहने लगा कि तू मुझे खा जाएगा। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं तुझे कैसे खाऊंगा, तू तो शेर है। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूँ। अब बड़ा शेर कहता है कि नहीं तू शेर है, ये इसरार करता है, स्टैंड लेता है कि नहीं मैं भेड़ हूँ। दोनों में डायलाग हुआ, दोनों जिद करते रहे, तो बिल आखिर छोटे शेर ने जल्दी से तमसील के अंदाज में, समझाने के लिए कहता हूँ, शायद अपना CV निकाल लिया है, बायोडाटा निकाला और कहा देखो मेरी एजुकेशन देखो, मैं तो वैलेंटाइन डे मना के बड़ा हुआ, मैंने तो ओ लेवल किया और मेरी जो हिस्ट्री है वो भेड़ों वाली है, मेरी लैंग्वेज भेड़ों वाली है, मेरे बॉडी जेस्चर भेड़ों वाले हैं, मेरे सोशल फैब्रिक्स, मेरी फेसबुक की ज़िंदगी और मेरी ट्विटर की ज़िंदगी, मेरे यूट्यूब के सामने बैठना, मेरी सारी दोस्तियाँ, मेरी सोहबत, मैं पक्का भेड़ हूँ, पक्का भेड़ हूँ। वो कहे भी तेरे साथ धोखा हुआ, तुझे किसी ने नहीं बताया कि तू शेर है। चुनाचे बड़े शेर ने किसी तरह से उसे कन्विंस किया और उसे कहा मेरे साथ चलो, उसे पकड़ के ले गया और एक चश्मे पर, और आप समझ गए कि वो चश्मा हिस्ट्री का और तारीख का और रोशन तारीख का चश्मा था। उसमें उसने देखा कि अपना अक्स देखो, उसने कहा अक्स देखो। जब अक्स देखा तो वो मान गया कि चेहरा तेरे साथ मिलता है, जबड़ा तेरे साथ मिलता है, दांत तेरे साथ मिलते हैं। तो उस तरह उस बड़े शेर ने उसके एतमाद को रिस्टोर किया, उसे बताया कि तेरे साथ धोखा हुआ है, तू दुनिया में पीछे चलने के लिए नहीं और मैकूम मगलूब और मफतू होने के लिए नहीं, गुलाम बनने के लिए नहीं, लीडर बनने के लिए आया है, और तुझे तो शिकार होना नहीं, शिकार खेलना है। लिहाजा इकबाल अपने कलाम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खुदी, खुदी होती है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको उसने रिस्टोर किया। कहानी तो चलती ही रहती है, सुनाने की हद तक तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज शाम में ख्वाहिश करता हूँ कि ये कहानी अगर आपकी है तो मैंने कोशिश की है कि आप बच्चों को मैं उस चश्मे पे ले आऊँ और मैं आपको कहूँ कि हमारी तारीख बड़ी रोशन है, बड़ी ताबनाक है, ये केमिस्ट्री और ये फिज़िक्स और ये जो अलजबरा, ये जो मेडिकल साइंस, ये जो इंजीनियरिंग, कहीं विलियम, कहीं जोज़फ, कहीं जॉर्ज, ये सब अक्स हैं, असल नाम मुसलमानों के हैं। ये जो इकबाल ने कहा ना कि मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। तो देखिए ये सारे उलूम इस दुनिया को हमने दिए हैं और इंशाल्लाह आप जैसे पुरअज़्म नौजवान अगर आज तहिया कर लें तो हम दोबारा यही उलूम देंगे। लेकिन अगर अपनी ज़ात के खोंटे के साथ आप बंधे हुए हैं, जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसे लाख बताएं कि इस मेंढक के, इस कुएं के बाहर भी एक दुनिया, एक जद्दा है, एक रियाज है, एक दुबई है और एयरपोर्ट है, ये है, तो वो इस किनारे से छलांग लगा के उधर, उधर से इधर, और वो कहता है कि नहीं टोटल दुनिया वही है। नहीं जनाब, आपने इकबाल की तस्वीर तो देखी है ना, एक इकबाल है, किस ज़माने में उसने मगरब को समझा, मगरब की क़ियादत को समझा, जर्मनी में उसके नाम से सड़कें हैं, उसके नाम से मुख्तलिफ उनकी नस्बतें हैं, इंग्लैंड में रहे, स्पेन में रहे, और आज मैं तस्वीर देखता हूं तो आप जैसे नौजवानों को कहता हूं कि वो इस तरह अपने पेशानी के साथ हाथ रख के सोच में क्यों डूबे हुए हैं। शायद वो हमारी हालत पर गौर कर रहे हैं कि अल्लाह ने जिनको शेर बनाया था वो आज पीछे चलने पर क्यों मजबूर हैं। वो जानते नहीं हैं कि हीरो तो वो हैं, जाबर बिन हयान तो उनका था, ख्वारज्मी उनका था, जुग्राफिया देने वाला इदरीसी उनका था, तारीख का इमाम इब्ने खुलदून उनका था, और दुनिया भर को मेडिकल साइंस और सर्जरी देने वाला जोरावी उनका था, और इन धांधली करने वाले इल्म की दुनिया के डाकू अंग्रेज़ों ने नाम तक बदल डाले। ये पता नहीं है कि वो यूसुफ लिखने से गुरेज करते हैं कि कहीं मुसलमानों की नस्बत न हो जाए, उसे जोसेफ कहते हैं, इसी तरह से दाऊद को डेविड कहते हैं, इसलिए जाबर बिन अयान का, इब्ने सीना का, राजी का वो धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला, लेकिन थे वो आबा तुम्हारे ही और तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। और इकबाल के इस पैगाम पर बात को ख़त्म करता हूँ कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से
उजाला कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।